क्योंकि मुझे अच्छा बचपन से मेरी आदत थी जो भी वॉशरूम में दो तीन किस्म के ऑयल्स होते थे मिक्स की और लगा लिया, तो हमेशा से लोग मुझसे पूछते थे कि बालों के लिए क्या करती हो, तो मुझे स्किन से ज़्यादा हमेशा बालों से अपने मोहब्बत हाँ। रही है और ख्याल रखा है। कभी ऑयलिंग करते हुए एलोवेरा का वो पत्ता काटा, मिक्स किया और लगा लिया, और मुझे होता था अगर मैं नहा रही हूँ, अगर क्या ऑब्वियसली हाथ नहीं है अच्छा, अगर नहीं नहीं अगर मेरे कहने का तो नहीं नहीं मेरे कहने का मकसद था जब भी मैं नहा रही हूँ मुझे होता था कि मैं बालों में कुछ लगाने के बाद ना, चाहे वो अंडा हो, मेयोनीज हो, मैं मेयोनीज का इस्तेमाल बहुत करती हूँ बालों में, बिकॉज मुझे लगता है पूरी ट्रीटमेंट है आपको उसमें ना ऑयल डालना ना अंडा डालना ऑलरेडी सब कुछ है उसमें, वो लगा लिया नहा ली। या एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मरियम नूर, उसने मुझे अभी पिछले दिनों आई हुई थी, उसकी स्किन के साथ बेचारी के काफ़ी इश्यूज थे, तो उसने मुझे बताया कि उसने किया है कि उसने कहा सारे अपने फेस वॉश साइड पे रख दो, सिर्फ बेसन से मूँ धो। निदा मैंने एक हफ्ता किया ना, नॉट पिंपल्स हो जाते थे ना, मेरी स्किन साफ होना शुरू हो गई है बेसन। उसने कहा बस किसी भी बॉक्स में हाँ इस तरह बेसन रखें, हाथ में लिया थोड़ा सा पानी लिया, मैंने पहली दफा ज्यादा पानी डाल लिया, बेसन बह गया मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। उसके बाद बेसन लें, थोड़ा सा पानी डालें, चार पांच ड्रॉप्स मिक्स करें, अपने मुंह पे लगाएं, स्क्रब की तरह भी काम करता होगा। इतनी सॉफ्ट स्किन के मैं बता नहीं सकती, और मैं अब सिर्फ ये यूज करती हूँ बेसन यूज करती हूँ। कोई फेस वॉश वगैरह भी नहीं, एलर्जी की भी तो बात है ना, नहीं सूट करता, जैसे एलोवेरा हर किसी की फेस नहीं करता, नहीं करता। ओ और बताओ क्या बेसन हो गया उसके बाद, ये तो बेसन हो गया। उसके बाद आपने लेना है अच्छा, अगर लोगों को जिनको एंटी एजिंग और स्किन लिफ्ट करने का शौक है उनके लिए बहुत अच्छा एक टोटका है, चावल का आटा लिया आपने, उसमें चावल का आटा आप हाफ कप ले लें, उसमें दो चम्मच आपने बेसन डाले, दो चम्मच आपने शहद डाला और चिल ठंडा दूध डाला। हाँ। दूध इतना डालना है कि वो एक पेस्ट बन जाए, इतना भी नहीं कि बैठ जाए बट वो स्किन पे लगा क्योंकि मैंने चावलों का नोट किया है, चावल ना बहुत मोटे मोटे रहते हैं, हाँ। तो उनको लगाने के लिए होल्ड करने के लिए टेक्सचर इतना रखना है कि आपकी वो हो जाए। हाँ। उसके बाद जब वो सूख गया मुंह पे तो आपने ठंडे पानी से नॉर्मल पानी से मुंह धो लिया। अच्छा पोर्स के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, चिल्ड वाटर हाँ। यूज अगर आपने क्लेंजिंग कराई स्क्रबिंग की तो ऑब्वियसली वो पोर्स खोलती है क्योंकि आपकी क्लेंजिंग जब स्क्रब यूज होता है तो पोर्स और खुलते हैं, तो उसके बाद मुझे बल्कि शूट पे किसी ने बताया था कि बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी लो और उससे दो चार वॉशेस कर लो, उससे आपके पोर्स फौरन बंद हो जाते हैं। तो एक वो चीज़, तो ये मास्क मेरी बहुत अच्छी दोस्त है खुशी वो यूज़ करती है, तो उसने मुझे बताया था कि तुम भी करना शुरू करो और इससे वाकई फ़र्क पड़ता है, जो हमारी स्किन जो है लटक रही है या वो फ्रेशनेस नहीं है, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो सबका वही तो क्या अगर आप अपने किचन में देख लें जाके और वहीं से चीजें ले लें तो वही सारी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद। मामा ने हमेशा मुझसे एक बात बोली, जैसे बहुत सारे लोगों को किसी को मेडिकल रीजंस की वजह से बाल डाई नहीं कर सकते, किसी को एलोपेशिया है, किसी को कुछ है, तो मामा ये बताती थी कि मेहंदी, लेकिन अब आपके अगर कोई ना कोई वाइट स्ट्रैंड्स हैं तो आपको ये डर होता है कि ऑरेंज हो जाएंगे बाल, हाँ, हाँ। उस चीज के लिए आप कॉफी मिक्स कर ले मेहंदी में, हाँ। तो आपके बालों का कलर ऑरेंज नहीं होगा। सारे में ऑरेंज वाले वाले अंकल को और आंटियों को ये कॉफी मिक्स कर ले, कौन मेहंदी लगाता है ऑरेंज कलर के बाल जाते हैं बड़े और बहुत प्यारा, उसमें आपका डार्क ब्राउन और वो एक शेड आएगा कॉफी की वजह से, और मेहंदी भी आजकल केमिकल वाली मिलती है बिल्कुल। तो आंटी अंकल आप ये ना समझेंगे आपको कुछ नहीं होगा बालों में, वक्त से पहले गिर जाए, प्लीज पत्ते कॉफी मिला कॉफी मिला। एंड देन शुगर इज द बेस्ट स्क्रब लाइक वी सेड बिफोर, शुगर इज द बेस्ट स्क्रब, उसमें आप जो है चीनी के साथ शहद डाल लें, थोड़ा सा कॉफी डाल लें, कॉफी स्किन के लिए बहुत अच्छी, पूरे स्क्रब बॉडी स्क्रब के लिए बिल्कुल कॉफी। मैं इतना महंगा कोई सफोरा से खरीद के आई, मैंने कहा देखो उसके अंदर क्या बॉडी स्क्रब होगा, चमक जाएगी, खोला तो ब्राउन शुगर और कॉफी मिक्स हुई है, घर में कर लेती, घर में कर ले, इतना महंगा लेकर आई मैं, तो ये चीजें बहुत। उसके बाद एक मैं ऑयल बनाती हूँ, कोकोनट ऑयल लिया आपने, उसको चूल्हे पे आपने चढ़ा दिया, उसके बाद आपने स्लाइस करके उसमें एक प्याज डाली, यहाँ मैंने गलती से लहसुन रखा है बट लहसुन बिल्कुल नहीं डालना, अदरक डाल दी अदरक डाल दिया आपने, ये कोई सालन नहीं है कि लहसुन अदरक डाल जाए, कोई मसला नहीं है, ये बालों की बात है बिल्कुल। तो उसको प्याज और अदरक जब आपका हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, बिल्कुल जला के काला नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप सारी उसकी जो क्वालिटीज है वो जल के खत्म हो जाएंगी, तो ब्राउन जब हो जाए उसमें आपने एक मुट्ठी कड़ी पत्ता लेके डाल दें,
अच्छा उसको हल्का सा, जब बड़ा मजे का सालन भी बनेगा इसका। मैं अभी दूसरी बात मैं यही कहने वाली थी, जब ये आपको ऑयल रेडी हो जाए उसको छान ले प्याज और वो आप फेंक दें, बिकॉज वो उसका सारा असर आ चुका है आपके कोकोनट ऑयल में। अच्छा अब जब ये ठंडा होगा तो ऑब्वियसली इसमें कोरमे की खुशबू होगी, तो ये आप लगा नहीं सकते। तो इसके लिए कोई भी एसेंशियल ऑयल, ये मेरे ख्याल से ऑरेंज ऑयल है, कोई भी लैवेंडर ऑयल ले लेना, लैवेंडर ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल जो भी आपको जिसकी खुशबू पसंद हो उसमें आप अपने हिसाब से डालें जितना आप बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि उसकी इतनी हो जाए कि फिर आपके सर पे वो चढ़ जाए। वो ऑयल आप लगाएं और अपना हेयर वॉश करें, दी बेस्ट। और दी बेस्ट कंडीशनर इज ओट मिल्क। ओट मिल्क कैसे बनता है, ओट जो हम ओट्स खाते हैं उनको ओवरनाइट आपने पानी में सोक करके फ्रिज में रख दें। सही। अब वो जब वो नीचे बैठ जाएंगी पानी ऊपर आ जाएगा, जब आप अपना वॉश कर लें तो वो पानी आप डाल लें। वो बड़ा कैसे बताऊँ, स्लाइमी सा पानी होता है। अच्छा, मतलब इसमें अच्छा वो मैं तो इस तरह डालती हूँ कि मेरी स्किन पे भी आए बालों पे भी आए। उसके बाद दो चार मिनट जितनी देर आप कंडीशनर छोड़ते हैं उतनी देर आप छोड़ें उसको, एंड देन वॉश योर बॉडी एंड योर हेयर। उफ मैं बता नहीं सकती कि कितने सिल्की और स्मूथ बाल होंगे। अच्छा, छोटी छोटी बालों के लिए भी और तो ऐसे बहुत, मैंने अभी पिछले दिनों खाने में भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पास तो बहुत सारे हेयर मास्क और उसकी रेसिपीज है। पिछले दिनों मैंने अपनी दोस्त को बताया कि आधा आम गुठली निकाल के बट छिलके के साथ, आधा केला विद छिलका, जामन का सीजन हो तो जामन, ये तीनों चीजें आप ब्लेंड करें और अपने बालों में लगा लें। ये अच्छा, तो बालों की दीवानी है भाई। मैं तो हर चीज बाल भाई, उस दिन मुझसे किसी इसको लॉरियल वाले उठा के ले जाएं और ब्रांड ले जाएं भाई, इसको बालों का बहुत कुछ पता है, रख ले अपने बाल। आपको पता है निदा, बालों में बटर लगाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट चीज है, ये मैंने यूट्यूब से सीखा और मैंने किया, शायद ये इतने प्यारे बाल हो जाएंगे। आप बटर में दो तीन चीजें, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या मिक्स की थी, बट वो लगाए अदरक लहसुन प्याज पूरा, ये तो कुछ बेक करने के लिए डाल रही है। और भी चीज निदा, विटामिन डी भी जो है ना उसका भी बहुत ख्याल रखे, स्पेशली खवातीन। बिल्कुल, बॉडी में अगर वो भी कम हो जाए ना, देखे हम धूप में उस तरह निकलते नहीं, हाय रंग काला हो जाएगा, जबकि मैं समझती हूँ सन में बैठना कुछ देर बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और लेकिन वो कौन सा वाला सन, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले वाला, झटपटा जिसे कहते हैं, सुबह 10 से पहले। और एक जो है अर्ली अर्ली 6 o'clock, जिंक भी बहुत जरूरी है। जिंक भी बहुत, जिंक के सप्लीमेंट, सप्लीमेंट जिंक बहुत बहुत जरूरी है, टूटी हुई चीजों को जोड़ता है जल्दी, हमारी एज में बहुत जरूरी। हाँ, मैं तो सप्लीमेंट लेती हूँ भाई। मैं और चीज कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए, कोई भी व्हाइटनिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, ये सारी चीजें सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।